राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 18 जुलाई 2022 को मतदान का ऐलान किया है, जिसके बाद 21 जुलाई 2022 को भारत के अगले राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होना है। इस वीडियो में समझते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम और आप राष्ट्रपति के लिए सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो कौन है जो राष्ट्रपति को चुनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 या फिर उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और लोकसभा की एक एमपी बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 इलेक्टर्स ने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया हो, साथ ही 50 अन्य इलेक्टर्स ने इसका समर्थन किया हो, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसको आसान भाषा में समझें तो एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। इस नियम को सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने 1974 में इंट्रोड्यूस किया था। कारण ये था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी इस पद के उम्मीदवार बन जाया करते थे, जिसके कारण 1974 में जब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का नियम लाया गया, तब एक पोटेंशियल कैंडिडेट को 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स की जरूरत होती थी और 2500 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके बाद 1997 में नियम में बदलाव किए गए। 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के साथ 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर मैंडेट किया गया। आमतौर पर इस पद के लिए केवल दो उम्मीदवार होते हैं, एक सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तावित और दूसरा विपक्ष द्वारा प्रस्तावित। आइए अब समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट का अधिकार इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को होता है। अब सवाल ये कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं। जहां आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमपीज और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलएस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले दो राष्ट्रपति चुनावों से जम्मू और कश्मीर इस वोटिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट नहीं कर सकते हैं। अब इसके पीछे की मैथ्स को 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल इलेक्टर्स हैं 4,809, 543 लोकसभा एमपीस और 233 राज्यसभा एमपीस और साथ ही साथ 4,033 एमएलएस। अब यहां एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती है। एमपीज और एमएलएस की वोट वैल्यूज अलग अलग तरह से कैलकुलेट करी जाती हैं। पहले बात करते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेशन की। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य के जनसंख्या को राज्य के टोटल नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसे 1000 से फिर से डिवाइड किया जाता है। इस तरह से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ आपको बता दें कि हर राज्य के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 208, महाराष्ट्र में है 175, वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 8। इलेक्शन कमीशन के अनुसार आज के समय में एमएलए वोट्स की ओवरऑल वैल्यू 5,43,231 है। अब बात करते हैं एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एमपी के वोट वैल्यू को निकालने के लिए एमएलएस के टोटल वैल्यू वोट्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड किया जाता है। जो वैल्यू आती है वो एक एमपी की वोट वैल्यू होती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर 5,43,231 जो कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस है, उसको डिवाइड किया गया है टोटल नंबर ऑफ एमपीज यानी 776 से लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स को ऐड करके ये वैल्यू आई है जो कि है 776। अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से तो ये होगी 700। तो ये तो बात हो गई कि वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू को देखें तो ये होगी 5,43,200 यानी कि एमपीज की टोटल वोट वैल्यूज प्लस
5,43,231 यानी कि MLAs की टोटल वोट वैल्यूज इक्वल्स टू 10,86,431। अब जीत के लिए चाहिए इस वैल्यू का 50%, यानी 5,43,216, 5,43,216। हमारे देश भारत के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पद के लिए शपथ दिलाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें।